Hi everyone, how are you? Do you know the meaning of nebulous? No, let me tell you. Nebulous meaning eyes first, vague or unclear. Okay, nebulous क्या है? एक adjective है. जिसके भी last में OUS आता है वो एक adjective होता है. ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा. अब nebulous क्या हो जाता है? एक vague होता है और unclear होता है. ठीक है, nebulous मतलब ये हो जाता है जिस तरह से अगर आप आसमान को ऐसे अगर आसमान में इस टाइप से बादल देखते हो ना, तो ये nebulous होते हैं. ठीक है, धुंधले छाती ही बारिश करवाते हैं फिर. ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं जो इस टाइप से हो जाते हैं, वो आई स्पष्ट अगर आप इसके आर पार नहीं देख सकते. ठीक है, वैग्यू वैग्यू यानी हो जाता है वैग्यू मतलब भी धुंध, मतलब बहुत ज़्यादा धुआं चलता वगैरह रहता है ना, जैसे धूल वगैरह उड़ रही है तो हम क्लियर स्पष्ट नहीं देख पाते, तो वैग्यू बोलते हैं. ठीक है, वेग वेग्यू नहीं बोलते, एक्चुअली में से वेग बोलते हैं. ठीक है, वेग और अनकिलियर. ठीक है, तो इन चीज़ों का ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, वेग बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा. ठीक है, सिनोनिम्स हो जाता है हेज, हेज सुना होगा, एम्बिगियस सुना होगा, एम्बिगियस. ठीक है, अनसर्टेन भी इसी का मतलब होता है. वही एंटोनिम्स की मैं बात करूँ तो क्लियर हो जाता है, प्रीसियस हो जाएगा, उसके बाद डेफिनेटली हो जाता है. ठीक है, ये तीनों मतलब इसके हो जाते हैं. स्पष्ट स्थिति को निश्चित भाषा में मैं आपको बताऊँ तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा. ठीक है, द गवर्नमेंट्स प्लान फॉर द इकोनॉमी वर नेबुलस. जो द गवर्नमेंट्स प्लान फॉर द इकोनॉमी वर नेबुलस, तो जो सरकार, ये देखो सरकार की जो अर्थव्यवस्था के लिए जो प्लान योजना है, देखो गवर्नमेंट्स प्लान सरकार का जो प्लान है फॉर द इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए, वर नेबुलस क्या है, धुंधला है, थोड़ा अस्पष्ट है. ठीक है, आई होप आप लोग यहाँ तक समझे होंगे. ठीक है, ट्रांसलेट करना भी सिखा रहा हूँ. गवर्नमेंट्स प्लान यानी जो गवर्नमेंट के जो प्लान है, जो नीतियाँ हैं, फॉर द इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए, वर नेबुलस क्या है, वो नेबुलस है, नेबुलस मतलब अस्पष्ट. ठीक है, आई होप आप लोगों को इसका वर्ड समझ में आया होगा. यदि वैसे ही और भी वीडियोज जानने के लिए, थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स जानने के लिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.